अगर अनस ने सवेरा को मना किया था, उसे क्या जरूरत थी सबको बताने की कि वो माजूर है? इंसान अपने ऐब ऐसे थोड़ी दुनिया को बताता फिरता है। मेरी माजूरी मेरी कमजोरी या ऐब नहीं है आंटी। ये मेरे रब की रजा है और मैं इसमें ही खुश हूं। मुझे मेरे रब से कोई गिला नहीं है, लेकिन आप और आपका बेटा कौन होते हैं ये सब कुछ छुपाने वाले? मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसी ही ठीक हूं। देख रही हो नौरीन अपनी बेटी को? इसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। इसके खातिर मेरे बेटे अनस को कितनी शर्मिंदगी, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी अपने दोस्तों के सामने। अगर ये थोड़ा चुप रह जाती तो इसमें क्या हर्ज था? आंटी, आप और आपका बेटा कब तक छुपाएंगे दुनिया से ये बात? एक ना एक दिन तो उनको पता ही चलेगा ना, तो फिर आज क्यों नहीं? सच कहूं आपको, मैंने स्टिक के सहारे चलते हुए कभी भी अपने आप को माजूर महसूस नहीं किया। हाँ, उस दिन आपके बेटे ने दुनिया के डर से मेरी स्टिक जब छुपा दी, उस दिन जरूर मुझे महसूस हुआ। जैसे मैं माजूर या बेसहारा हूं, जैसे मुझ में कोई कमी है। सवेरा, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात करती हूँ। मगर अम्मी, मैंने कहा ना कि अपने कमरे में जाओ, सुना नहीं? सबा, तुम बैठो प्लीज प्लीज। तुमने देखा तुम्हारी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी? उसे ये भी अंदाजा नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ी है।